मैं कमिंग सर कम गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून सिट डाउन थैंक यू सर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं ये सर वर्क किया है इसमें पहले अच्छा इसमें क्या काम करते थे सर इसमें जावा लैंग्वेज पे काम किया था एक गेमिंग कंपनी थी उनके लिए प्रिडिक्शन जो लॉजिक था उसको डेवलप करना था और एक एक दूसरे प्रोजेक्ट में एक बैंकिंग के लिए जो सर्वर था उनका वेबसाइट था उस पर काम किए थे सर तो उसमें आपका फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है एन के भी प्रोडक्ट हैं फिर आप किस प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं सर मैं बिहार पुलिस सेवा में जाना चाहता हूँ क्यों वाई यू मैंने गवर्नमेंट शुड वाई यू आपको क्यों बोलेगी सरकार सर बिहार पुलिस सेवा में मुझे मतलब पब्लिक से इंटरेक्शन करने का ज़्यादा मौका मिलेगा और पब्लिक सर्विस पब्लिक के जो इश्यूज हैं उनको ग्राउंड लेवल पे सॉल्व करने का ज़्यादा मौका मिलेगा और जो रिसेंट जो नेचर ऑफ क्राइम जो आ रहे हैं जो लॉ इन्फोर्समेंट के लिए साइबर क्राइम होंगे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो गए जो डेवलपमेंट है उसको मैं अच्छे से निभा पाऊँगा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है ये आईटी फील्ड का रहा है इसमें मैंने जॉब भी किया है और बीटेक भी मैंने इसी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है तो मैं इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा गवर्नमेंट की लॉ इन्फोर्समेंट पॉलिसीज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना आपने यस सर क्या है ये? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बिग डाटा सेट्स को एनालाइज करके सम एनालिसिस करता है और सामने यूजर्स को देता है और ये पैटर्न्स के बेसिस पे होता है ताकि जो ह्यूमन का जो रोल है इसमें उसमें कम कम हो जाता है और जो डाटा डाटा के यूज़ करके जो आगे क्या होने वाला है उसको पेश करके सॉल्यूशन देता है आजकल देख रहे होंगे कि, कि साइबर क्राइम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं यदि आपका सिलेक्शन डिप्टी एस में हो जाता है और चूंकि आप उसी बैकग्राउंड से हैं तो आपको कैसे मैंने इसको कंट्रोल करना होगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके पुलिस में क्राइम कंट्रोल के लिए क्या आपका प्लान कुछ है आपके दिमाग में कैसे आप प्रोसीड करेंगे से इसमें जैसे एक प्रिवेंशन के लिए हम लोग बहुत सारे जो क्रिमिनल्स बैकग्राउंड के जो सेवरल जो जितनी भी रिपोर्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं तो उनके डाटा को कलेक्ट करके हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि किस एरिया में क्राइम हॉटस्पॉट्स ज़्यादा होते हैं बिग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके कुछ इस हॉटस्पॉट्स क्राइम हॉटस्पॉट्स को हम लोग निकाल सकते हैं उस एरिया में सर्वेलेंस ज़्यादा ज़्यादा कर सकते हैं ताकि उस एरिया में और क्राइम प्रिवेंट हो सके और ये जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फेशियल रिकोगनीशन सॉफ्टवेयर हो गए नंबर प्लेट डिटेक्शन हो गए इन सब का जो यूज़ अच्छे से कर पाएंगे हम लोग ए आई की उससे से ये जामताड़ा और नवादा ये सब फिल्में भी बन रही हैं ये सब फिल्में क्यों बन रही हैं आजकल सर ये जामताड़ा नवादा और ये नू ये सब जो क्राइम साइबर क्राइम हॉटस्पॉट्स हो गए यहाँ से मैक्सिमम जो क्राइम किए जा किए जाते हैं कॉलिंग कौलें, कॉलिंग के थ्रू आजकल तो स्कैमर हम लोग फ्रॉड बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड बोलते हैं फ़ोन करके जो जो अनअवेयर जो सिटीजन्स है या उनको उनके जो वालेबिलिटीज को लोग यूज़ करके उनसे पैसे पैसे ठग ठग रहे हैं तो इसलिए ये ये जगह फेमस है कैसे ख़त्म कीजिएगा इसको आप अगर आपके क्षेत्र में घटा कैसे आइडेंटिफाई कीजिएगा और कैसे समाप्त कीजिएगा सर इसको हम लोग जैसे पहले तो जो उस एरिया में जो हॉटस्पॉट्स हैं जो जहाँ जहाँ उसको एनालाइज करेंगे किस एरिया से वो क्राइम हो रहा है डिटेक्श डिटेक्शन को तो आई पी एड्रेस ट्रेस करके हम लोग उस एरिया में कर सकते हैं डिटेक्शन किस एरिया से हो रहा है फिर उसका जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनको जो ग्राउंड लेवल पे जो सिटी पब्लिक्स है उनके साथ जो बॉन्डेज है वो थोड़ा इंक्रीज़ इंक्रीज़ कर, करना पड़ेगा ताकि जो अगर जो जो भी यहाँ से जो क्राइम करने वाला सिटी है वही वहीं वहीं पे लोकली है वहाँ सीम एक्सेप्ट करते हैं अब मुजफ्फरपुर जिला से आते हैं यस सर और काफ़ी दिनों तक रहे होंगे आपका क्या अनुभव है पुलिस में क्या क्या कमी है पुलिसिंग में सर अभी पुलिसिंग में जैसे एक तो है कि जो मैन पावर है कैंसि जितना पर लैक ऑफ पुलिसिंग होना चाहिए बिहार में वो वो कम है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड्स वन सिक्सटी फाइव है जो जबकि वन एट्टी बोला गया है वन फाइव बोला गया है और उसका जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो जो नए नए तरह के क्राइम जो आ रहे हैं उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी है जो मैन पावर जो स्किल चाहिए जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो गवर्नमेंट पुलिस पुलिस को चाहिए उसमें कमी है और जो एक कम्युनिटी पुलिसिंग जो बोलते हैं हम लोग जो सिटीजन और जो पुलिस के बीच में गैप कॉलोनियल माइंडसेट जो लोगों के बीच में बसा हुआ जो हम लोग पुलिस से डर लगता है कोई क्राइम जाकर रिपोर्ट करने का कुछ बताएंगे तो अगर पुलिस हमको ही पकड़ लेगी तो एक वो है सर इसमें इतिहास से बताएं कि अशोक का धम्मा क्या है और कैसे भिन्न है जो बुद्ध के फिलासफी से सर अशोका धम्मा ये पॉलिसी जो ऑल एक सेकुलर जो बिलीव्स है सेकुलर हर सबको एक साथ नॉन वायलेंस को पीस को प्रमोट करना है ये धम्मा पॉलिसी में सुखा के बोला गया है और ये कोई सेकुलर कोई रिलीजन या उसको प्रीच नहीं करता है जबकि बुद्धाज पॉलिसी में बुद्धिज़्म का वर्णन है और बुद्धिज़म आइडल जो रिलीजन है उससे प्रेरित है बुद्धिज्म क्यों उसका कन्या से खात्मा हो गया करीब करीब अन्य विदेशों में जो है इसका अभी भी है बुद्धिज्म का क्या कारण है सर एक, एक योग बीच में जो जो रूलर्स आए थे बुद्धिज़्म के बाद जो पुषमु सोंगा होंगे या मिडिवल जो काला है मुस्लिम इन हुआ उस उसका एक वो एक वजह वो भी है जो अलग अलग रिलीजन आए थे उन उनका ये एक रीज़न ये है दूसरा जो हिंदुज़्म जो फिलासफी है ये काफ़ी इजी टू अडेप्ट है लोगों को माइंड सेट के लिए जबकि बुद्धिज़्म के लिए स्ट्रिक्ट आप बुद्धिज़्म में मतलब मॉडरेट बोला जाता है आपको डिफ़िकल्ट आज मॉडर्न डे में उसको पीज करने के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है ठीक है ये चंद्रयान तीन थी, तीन कितने तारीख को लैंड किया था मून पे चौबीस अगस्त चलिए यूर नियर टू आंसर अच्छा जहाँ कहाँ से इनको भेजा गया था परे प्रेशा, प्रेक्षापित कहाँ किया गया था लॉन्च कहाँ से किया गया था अच्छा श्री, हर, श्री हरी हरिकोटा श्री कहाँ है ये आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में है अच्छा ठीक है देख लीजिएगा और जहाँ पे ये लैंड हुआ इसका जो पेलोड वेकिल जो था उसका क्या नाम उसको शिव शक्ति पॉइंट नाम गया

फोर्टीन डेज तक काम करना था इसको हाँ। जो कि एक लूनर डे के बराबर होता है ठीक है, है। uh, ताकि डे डे लाइट सेविंग में उनका सन का वो यूज़ कर सके फिर उसके बाद नाइट आ जाएगा तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इसीलिए इन्होंने एक चंद्रमा के टेम्परेचर को भी नापा है कितना है वो रफली सेवेंटी डिग्री के आसपास पहले जो एम आई मी पहले जो बोला गया था कि ट्वेंटी थर्टी डिग्री के आसपास है लेकिन वो सेवेंटी डिग्री के आसपास ठीक है गुड अच्छा इन्होंने एक एलिमेंट को डिस्कवर किया जो वहाँ प्लेंटी में है कौन सा है वो सोई से ध्यान नहीं आ रहा सल्फर अच्छा चलिए ये जो अभी नया संसद बना उसके आर्किटेक्ट कौन है सॉरी सही याद नहीं अच्छा ठीक है इसके बनाने की क्या आवश्यकता पड़ रही जब ऑलरेडी एक बिल्डिंग था ही तो फिर क्यों बनाए सात सौ करोड़ रुपया क्यों खर्च किए सर आज़ादी के बाद हम लोग का जो पॉपुलेशन साइज़ है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है तो अगर नेक्स्ट हम लोग का जो डिलिमिटेशन कम से अगर सीट्स इंक्रीज़ होगा तो उनके बैठने के लिए हम लोग को बड़ा वो चाहिए था ज़्यादा कैपेसिटी का पार्लियामेंट चाहिए और एक जो माइंडसेट में था कॉलोनियल जो बोला गया कॉलोनियल हम लोग उस पर अपना वो चला रहे हैं क्योंकि तो हम लोग आज़ाद हो चुके हैं फिर भी हम लोग उस उन्हीं के बिल्डिंग में चला रहे हैं एक माइंडसेट सेट वो भी था कि हम लोग अपना आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर होना चाहिए कुछ ना कुछ उसमें राज हस्तांतरण का एक प्रतीक लगाया गया है उसको क्या बोलते हैं क्या नाम दिया गया है पावर ट्रांसम का क्या उसको क्या बोलते हैं एक एक राजदंड है कही उसका नाम बताइए और कहाँ रखा गया उनको स्पीकर के टेबल के राइट में रखा गया है उसका नाम बताइए ठीक है करेक्ट आंसर आपका कर। अच्छा पहले संसद को किसने डिज़ाइन किया था एग्जैक्टली यानी लुटियंस हम्म ठीक है हम लोग दिल्ली को रेफर करते हैं लुटियन जोन ये सर लुटियंस एक और आर्किटेक्ट थे ये सर दो लोग थे चलिए ठीक है बिहार का जीडीपी बताइए सॉरी सर जीडीपी बिहार का बताइए बिहार का सर फाइव पॉइंट फोर फाइव लाख करो फोर पॉइंट फाइव लाख करो अच्छा ठीक है और इसका रेट ऑफ ग्रोथ क्या था दो बाईस तेईस में टेन पॉइंट नाइन एट परसेंट है जो थर्ड लार्जेस्ट था इंडिया का नहीं नहीं टेन पॉइंट नाइन एट था तो वट वॉज देट इन कंट्री इसका क्या स्थान था ग्रोथ रेट में कंट्री में थर्ड पोजिशन था सर राजस्थान आंध्र प्रदेश नहीं नहीं भाई ग्रोथ रेट की मैं बात कर रहा हूँ था थर्ड पोजिशन नहीं है ना अच्छा बताइए हाइएस्ट जी वाला स्टेट कौन सा है आई एस जी पी सर महाराष्ट्र राइट सेकेंड कन्फर्म नहीं है सर हाँ बोलिए ना तमिलनाडु यस करेक्ट आंसर थर्ड बोलिए गुजरात सर बिहार तो नहीं है यहाँ आप थर्ड बोल रहे थे ठीक है सॉरी सर ग्रोथ अच्छा सेकंड बिगेस्ट जो जिला है वो बताइए मैं टॉप का नहीं पूछ रहा हूँ पूरे भारत में सेकंड बिगेस्ट जिला कौन सा है सर लद्दाख लद्दाख क्या खासियत है लद्दाख की लद्दाख की जो स्टेट जिला नहीं है अब चलिए अब बताइए अब ठीक है लद्दाख करेक्ट है लेकिन उसमें जिला कौन सा है उसमें ले हां, तो है हाँ तो कंफ्यूज क्यों हैं हैव कॉन्फिडेंस ठीक है वो क्या है कैसा प्लेस है वो सर ये uh, वर्ल्ड्स का कोल्डेस्ट ड्राइस्ट प्लेस है तो इसका मतलब क्या हुआ डेजर्ट हुआ वेजिटेशन नहीं होता है ये सर अच्छा तो फर्स्ट जो हमारा यहाँ है रन ऑफ कच्छ है वो टॉप ज़िला है yes, उसकी खासियत बताइए एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ले सर ये जो मैं इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ yes, व्यू से पूछ रहा हूँ ये yes, जो ले है जो कोल्डेस्ट ड्राइस्ट है और जो रन ऑफ कच्छ है वो हॉटेस्ट ड्राइस्ट है हॉटेस्ट है मतलब और भी है वहाँ वेजिटेशन काफ़ी कम कम होता है वहाँ पर एक होता है वाइट ऐस पाया जाता है तो खाएगा कौन सी आप बोलते हैं वेजिटेशन नहीं है तो सर बहुत कम जो छोटे छोटे ग्रास होते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ मिस आप मिस कर रहे हैं समुद्र के किनारे है वो इसलिए वहाँ क्या होगा ह्यूमिडिटी भाई प्रेजेंस आप ऑफिसर बनेंगे तो प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए समुद्र के किनारे है किनारेटी बोलती है ठीक है अच्छा बिहार का हमको जीडीपी का सोर्स बताइए जीडीपी में कि माने कौन कौन कंपोनेंट है आपके जीडीपी में किस किस चीज़ से आपको पैसा मिलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है किस किस चीज के माध्यम से आता है आपके पास सर एक टैक्स कलेक्शन से आता है जो सेंट जो स्टेट टैक्स रिवेन्यू उससे आता है और सेंटर से जो ग्रांट मिलता है मतलब जो फाइनेंस कमीशन जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम की बात नहीं हो रही है तो आपके यहाँ आप क्या बनाते हैं आपके पास क्या है जिससे आप पैसे कमाते हैं ये बताइए सर इंडस्ट्रीज में इथेनॉल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गए इन सब से आता है तो उसका कंट्रीब्यूशन बताइए ठीक है आंसर ठीक है, है क्यों कंफ्यूज है बोलिए इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन नाइनटीन है भाई आपके यहाँ इंडस्ट्री तो है ही नहीं ठीक है सर्विस सेक्टर 60, एग्रीकल्चर 20 और 20 इंडस्ट्री ठीक है तो इस तीनों कंपोनेंट को आप करेंगे तो आपका जीडीपी बढ़ेगा यस सर ओके सर आप आर्मी स्कूल में पढ़े हैं? यस सर क्या आर्मी बैकग्राउंड है क्या आपका यस सर फादर बी एस एफ में है अच्छा फादर ये कहाँ था ये स्कूल बीकानेर में था सर राजस्थान बीकानेर में केंद्रीय विद्यालय मालदा वेस्ट बंगाल और एन आई टी दुर्गा दुर्गापुर 2015 और ये 2023 हजार तेईस आठ साल यस सर आठ साल में क्या केवल कमीशन की के तैयारी है या नो सर ये सॉफ्टवेयर फील्ड में फाइव इयर्स वर्क किए थे सर 2020 ट्वेंटी तक उसके बाद फिर ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट एंड थर्ड इंटरव्यू में सर थर्ड अटैम्प्ट मेंस कितनी बार दिए सर थ, थ्री बार थ्री टाइम्स ओ यानी तीन बार इंटरव्यू दिया होगा यस कहाँ छूट क्या कमी क्या रह रहा है सर मेन्स में एक ऑप्शनल में कमी रह गया था पहले अच्छा और इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स कितना एक में सेवेंटी एक में सेवेंटी फाइव इंटरव्यू में यस सर इसको आप एवरेज मार्क्स एवरेज बोलते है। हैं को इट्स गुड गुड वन वन ठीक है इसका चलिए आपका अच्छा ये बताइए हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में मुगल साम्राज्य का क्या योगदान था सर आर्ट आर्ट एंड मुगल साम्राज्य ने जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उनको उसको भी आ, इंडिया में प्रमोट किया था जो पर्शियंस जो है पर्शियन लैंग्वेज है उनको उस, उसको इनकॉर्पोरेट किया था जिससे बिहार ये सॉरी इंडिया एक पर्शियन लैंग्वेज का भी ए, सेंटर बन गया जो पहले बुद्धिज़्म हिं, हिंदुज जैनिज़म इसके लिए फेमस था ये पर्शियन का भी एक सेंटर बन गया और और सर और अच्छा कोई पांच ऐसा बताइए जो आपको लगता है कि मुग़ल के समय का जो ये आर्किटेक्चर है सर अनपैरल्ड है ये सर ये शाहजहाँ के टाइम जो ताजमहल बना था वो अनपैरल था उनके बाद जहांगीर के टाइम जो पेंटिंग्स थी वो काफ़ी फे, फेमस हुई थी नेचर पेंटिंग लाया गया था और लाल किला भी जो बोल सकते रेड फोर्ट हो गया जो ये फतेहपुर सीकरी हो गया फोर्ट ये जो वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है शाहजहाँ का नाम सुना जी सर क्या था उनका अवधि कार्यकाल क्या था उनका किसको के बने थे वो राजा कैसे बने वो जागीर के बाद में बने थे मतलब जागीर तो बहुत बाद में आया अच्छा ये बताइए क्या कंट्रीब्यूशन है उसका शेरशाह का इंडिया में अमंग दी ऑल रूलर्स को जब हम रखते हैं तो शेरशाह अच्छा शेरशाह सॉरी सर मैं कन्फ्यूज हो गया जाए मुझे लगा हाँ तो शेरशाह का क्या कंट्रीब्यूशन है शेरशाह का उन्होंने जैसे बिहार में हुमायूं को हराने के बाद जो उन्होंने बने थे वो एक मतलब जो सेंटर में था फर्स्ट रूलर थे जिनको उन्होंने ये रिजन लेवल पर हराया था ऑल इंडिया लेवल पे उन्होंने फिर टोकन करेंसी जो हम लगा कल यूज़ करते हैं जो करेंसी वर्ड है रुपया वो उन्होंने ही लाया था और जो ए, कैनाल जो रोड है तो कौन इन, रो? रोड का नाम क्या है कोलकाता से शेरशाह एग्जैक्टली याद नहीं याद नहीं अच्छा और क्या किया और कैनाल इरीगेशन में भी उन्होंने काफ़ी वर्क किया था और रैयत वाली सिस्टम जो मुगल का जो कॉलोनियलिज्म में जो बाद में लाया था रैयत वाली सिस्टम वो शेर शाह ने पहले ही अपने इम्प्लीमेंट कर दिया था ठीक और... है अकबर को कैसे देखते हैं आप अकबर को हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर में देखा जाता है जिन्होंने ऑल रिलीजन्स को एक साथ लेकर चले थे एज सेकुलरिज्म जो इन्हीं उनकी जो दिन अलाई पॉलिसी थी उसको एज ए सेकुलर इजम के रूप में रोल मॉडल माना जाता है उनको प्रमोट करने का उन्होंने किया था उसके बाद सर काफ़ी लिबरल लीडर थे उन्होंने हर सबको अपने वॉयस रखने का अपने इन एडमिनिस्ट्रेशन में मौका दिया था हिंदुज़्म हो मुस्लिम और रिलीजन्स को काफ़ी बैरम खान का क्या संबंध था अकबर से उनके जो जो फाइटर थे अकबर के फाइटर थे कौन फाइटर था बैरम खान हाँ। अकबर से क्या उसका ये था देख लीजिएगा हिस्ट्री है आपका अलाउद्दीन खिलजी और अकबर को देख ली हो गया थैंक यू थैंक यू सर कभी सर नीलमणी आपने वैसे शुरू में तो बहुत अच्छा किया ये सर ठीक फिर धीरे धीरे लगता है नर्वस हो गए नर्वसनेस का ज़्यादा आ गया इंटरव्यू बोर्ड uh, में नर्वसनेस बहुत माने खराब चीज़ मानी जाती है माने एक तरह से आप सेलेक्ट होते होते रिजेक्ट हो जाते हैं इसका बातें ख्याल रखें और ये कोई जरूरी नहीं कि हर प्रश्नों का ही उत्तर कोई दे जानते हों उत्तर दें तो ये चीज़ है नर्वसनेस को नहीं आने दीजिएगा अभी जैसे आप उठे और चल दिए आपको वेट करना चाहिए था बोर्ड आपको परमिट करता नहीं आप थोड़ा रिलैक्स फील हुआ जाते हुए मैंने आप भागने हाँ, के चक्कर में थे लगता है ये, ये नहीं होना चाहिए हाँ ये नहीं होना चाहिए दूसरे आपको सब्जेक्ट का नॉलेज थोड़ा ब्रसअप करना हिस्ट्री सूमेंट को है है ना हिस्ट्री बहुत वास्ट है इंडियन हिस्ट्री को ही लिया जाता तीन भाग में है तीनों का बहुत वास्ट है अब तो नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे रहे हैं और पॉलिटिक्स का लोकर फिर हिस्ट्री हो जाता है तो वही चीज़ है अब काफ़ी हो गया है बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जो है आपको नहीं मालूम होगा तो वो ब्रस करते रहिए हिस्ट्री के बराबर चूँकि हिस्ट्री ऑप्शनल आपका रहा है और दूसरे ये जो आपका फील्ड रहा है एन के प्रोडक्ट हैं जॉब में ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे जो जानकार होंगे उसमें डीप जा सकते हैं तो वो सब भी आप देख लेंगे प्लस जो करंट अफेयर्स हैं न्यूज़पेपर पढ़िए है, टी वी न्यूज़ देखिए खासकर जो बिहार से संबंधित न्यूज हो उसको नोट करते रहिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्कीम्स चलाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के राज्य सरकार राज्य सरकार के मेन जो है स्कीम्स उत्थान के लिए महिलाओं के लिए हेल्थ सेक्टर में कृषि सेक्टर में कौन कौन से प्रोजेक्ट मेजर किए जा रहे हैं बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं सभी का जानना जो है ज़रूरी है चूंकि आप उसके पार्ट होने जा रहे हैं और हम जो जो ब्यूरोट होते हैं ब्यूरोसी के ये बीपीएससी जो है वो बहाल करती है बीपीएससी को क्या एक जिम्मा दिया गया है कि भाई जो हमारे सरकार के जो योजनाएं हैं पॉलिसी डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको इंडिपेंडेंट डिबिक काबिल अफसर चाहिए इसीलिए बीपीएससी को ये दिया जाता है जॉब कि वो सेलेक्ट करके भेजे तो उसमें आप जो है सेलेक्टेड है कि नहीं ये बीपीएससी को छोड़ा गया है तो उसको इम्प्रेस करने की भर कोशिश की अपना स्टाइल ऑफ स्पीकिंग करने थोड़ा आपके चेहरे से चिंता झलक रही है लाइक लेकिन चल रहा है बुलने से आना चाहिए प्लीजेंट चेहरा बनाए रखिए उस दिन का पर्सनैलिटी जो है आप बना कर रखें ड्रेसअप बढ़िया से कर लीजिए एक टाइल भी लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा ठीक है ऑल द बेस्ट एक बुकलेट है इनका पढ़ लीजिए अच्छा है ठीक थैंक यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सर अब अच्छा होगा